शहर में आधार कार्ड बनवाने के लिए आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन में मात्र गिने चुने लोगों के आधार कार्ड बनने के कारण कई लोगों को लंबी कतार में लगने के बाद भी निराश होकर पुनः घर लौटना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर में मुख्य डाकघर में आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्य डाकघर के आधार केंद्र पर प्रतिदिन 60 लोगों के आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे यह 30 लोगों तक ही सिमट कर रह गई, जिसके कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को कई लोग आधार कार्ड बनाने के लिए मुख्य डाकघर पहुंचे, लेकिन वहां पर आज आधार कार्ड बनाने का कार्य नहीं होने के चलते लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। डाकघर में आधार कार्ड बनाने के लिए आए सोरडिया निवासी रोशन सिंह ने बताया कि केंद्र पर पूर्व में 30 महिला तथा 30 पुरुषों के आधार कार्ड प्रतिदिन बनाए जा रहे थे, लेकिन वर्तमान में केवल 30 ही लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं और आज तो केंद्र पर यह सुविधा भी बंद पड़ी है, जिसके कारण लोगों को निराश होकर घर जाना पड़ रहा है। केंद्र पर कार्ड बनाने के इंतजार में खड़ी अनिता कुमारी ने बताया कि वह विगत 3 दिनों से डाकघर आ रही है, लेकिन आज तक उसका कार्ड नहीं बन पाया है। कभी संख्या पूरी होने तथा कभी प्रिंटर खराब होने का बात कहकर टाला जा रहा है। इस संदर्भ में जब मुख्य डाकघर को पोस्ट मास्टर गोविंद राम सेन से बातचीत की गई तो उन्होंने केंद्र पर पूर्व में 2 आधार ऑपरेटर कार्यरत थे, जो कि प्रतिदिन 60 कार्ड बना रहे थे, लेकिन विगत दिनों एक कंप्यूटर ऑपरेटर का स्थानांतरण होने के कारण केवल एक कंप्यूटर पर ही आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। सैन ने बताया कि आज प्रिंटर खराब होने के कारण आधार कार्ड बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। प्रिंटर के ठीक होते ही पुनः आधार कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सैन ने बताया कि शहर में 15 अन्य केंद्रों पर भी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य डाकघर में ज्यादा भीड़ होने के बाद भी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाया जा रहा है। ये आधार सेवा केंद्र हम आए हुए हैं यहाँ पे प्रधान डाकघर। यहाँ पे बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है सूचना के लिए, उसमें 30 आदमी और 30 महिला और 30 ही पुरुष ले रहे हैं, लेने थे इनको, लेकिन यहाँ पे अभी ले रहे 10-10 आदमी, 10-10 आदमियों को ही बनाएंगे ये। यहाँ पे काफी लोग बूढ़े बुजुर्ग भी है जो सुबह सुबह 5-6 बजे से लाइन लगा रखी इन्होंने, और अभी इनका ये कहना है कि प्रिंटर जो था प्रिंटर खराब हो गया। अगर इनका प्रिंटर यदि खराब था तो इन्होंने पहले ठीक ही नहीं करवाया, ये या तो मना कर दे कि हम लोग नहीं कर सकते, तो क्या है कि आदमी अपना कहीं और से करे। बच्चों की छुट्टी करके इनको स्कूल से लेके आए हैं बनवाने के लिए आधार कार्ड, और ये लोग जो है अभी अपना क्या नाम है अपनी लिपापोती करने में लगे हैं। 3 दिन से यहाँ पे आ रही हूँ और आज 7 बजे आके बैठी हूँ, तब भी अभी नंबर नहीं आया है। क्या बोल रहे हैं लोग? कुछ नहीं, कभी बोलते प्रिंटर खराब है, कभी बोलते हैं, कभी अभी फॉर्म भी पता नहीं है अभी तक तो। आधार सेंटर की शिकायत मिलने पर मैं वहां व्यक्तिगत गया, और इस संदर्भ में मेरा कहना है कि पूर्व में 2 आधार ऑपरेटर कार्य कर रहे थे, जिस कारण 30-30 दोनों आधार ऑपरेटर कार्य बना रहे थे। अब एक आधार ऑपरेटर का स्थानांतरण हो जाने के कारण अभी वर्तमान में 30 ही आधार बनाए जा रहे हैं, और अभी आज तकनीकी प्रिंटर में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण उसको मरम्मत कराने के लिए दिया है। प्राप्त होते ही यह व्यवस्था सुचारू रूप से सोमवार से प्रारंभ कर दी जाएगी।